उसने ये भी कहा कि उसे ना इशिता की बहुत चिंता है, क्योंकि ना उसे बचाने के लिए उसने ब्लड डोनेट किया था। मेरे रमन की आवाज थी वो। आप ना बहुत ही भोले हो मम्मा। कोई है जो कि हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, और हम ऐसे किसी स्ट्रेंजर की बातों में तो नहीं आ सकते ना। हाँ सिमी सही कह रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। सुन कहीं ऐसा ना हो कि जिसका फोन आया था वो ये मेरा असली रमन हो, और ये जो हमारे साथ रह रहा है ना ये रमन ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। मम्मी जी ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आपको अका पे भरोसा नहीं है। अका को तो एक मिनट में पता चल जाता ना अगर वो जीजू नहीं होते तो। वो सच में जीजू है। अगर अका ने कह दिया कि है तो 100% वो जीजू ही है। हाँ मम्मा, और हमने भाई का डीएनए टेस्ट भी तो करवाया है, वो भी तो पॉजिटिव ही आया ना। एग्जैक्टली। हाँ अब मैं आती हूँ। मम्मी जी चलिए अब आप दूध पी लीजिए। नहीं मैं नहीं पीना दूध। मम्मी जी ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना, प्लीज आप जिद मत करो, पी लो, चलो प्लीज पी लो। मीका पुत्र तुम मेरी गल मान जा, वो आवाज ना रमन की ही थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बात पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। कौन है जो ऐसे गेम्स खेल रहा है हमारी फैमिली के साथ? पहले वो टेक्नीशियन को ऐसे बोल के गया और अभी घर पे फोन कर रहा है। बुआ ये बात पापा को पता नहीं चलनी चाहिए ना, वरना वो खामखा परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं मैंने भाई को कुछ नहीं बताया, पर भाई हॉस्पिटल ही आ रहे हैं इश्ता से मिलने के लिए। बुआ आप प्लीज ये बात अपने तक ही रखना, क्योंकि जो कोई भी है ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन पापा को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो खामखा डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ना ही इश्ते माँ को। हाँ डोंट वरी। बस अब आप आराम करो, आंखें बंद करके आराम से लेट जाओ। आओ चलो। मीका पुत्र वो मम्मी जी आप ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। पता नहीं वो कौन इंसान है, वो तो जान के ये सब कुछ कर रहा है। वो चाहता है कि हम लोग जीजू के ऊपर डाउट करें, हमारे घर में कंफ्यूजन पैदा हो। पुत्र मन्नू कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी जी चल आप सोच लो। कौन हो सकता है ये आदमी? ये जो कोई भी है ना ये हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एंड वी नीड टू फाइंड आउट कौन है। तुमने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया, अपना फोन बंद कर दिया, शिफ्ट मिस कर दी, यहाँ तक कि अब तक मैं अपने घर भी नहीं गई। मैं हमेशा के लिए ऐसे छुप कर नहीं रह सकती ना, आखिर कब तक चलते रहेगा ये सब? जब तक मैं कहूँ। अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गई ना तो मेरी जॉब छूट जाएगी। जितने पैसे तुम्हें इस काम के मिल रहे हैं ना, अपनी जॉब में कभी भी नहीं कमा पाती तुम, इसलिए अपना काम ध्यान से करो, समझी? भल्ला फैमिली को तुम्हें झूठ बोलना है, उन्हें बोलना है कि इशिता को जिसने खून दिया वो असली रमन था, ताकि जो इंसान उनके घर में रमन बन के रह रहा है वो उसे घर से निकाल दे, और ये होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। शार्दुल को मेरे पास आना होगा। देखो मैं जानती हूँ कि तुम मुझे इस काम के पैसे दे रही हो, पर मैं अपनी जॉब नहीं खोना चाहती। जस्ट शट अप ओके, जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो। इन भल्लास को मुझे ऐसा सबक सिखाना है कि ये जिंदगी भर याद रखे। ये हो क्या रहा है? सब उस भल्ला फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं? एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ वो, दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर रहा है। दूसरा
कौन दूसरा? किसकी बात कर रही हो तुम? अरे कोई और भी आया था मुझसे मिलने, उसने मुझे इसी काम के लिए डबल पैसे भी दिए। व्हाट? कौन था वो? मैं नहीं जानती, पर हाँ वो मुझे उसके बॉस से मिलवाने ले ही जा रहा था कि रमन भल्ला के बेटे ने हमारे कार को फॉलो कर दिया, फिर उसके बाद वो आदमी ने कार बीच सड़क के छोड़ दी और वो चला गया। आई थिंक उसके बॉस ने उसे वार्न किया होगा। इतना स्मार्ट कौन हो सकता है? यही तो मुझे भी जानना है। लिसन, वो इंसान तुम्हें दोबारा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, और जब ऐसा करे ना तो तुम मान जाना, लेकिन मुझे उसी वक्त इन्फॉर्म करना। इस काम के भी तुम्हें दुगने पैसे मिलेंगे। इसे अब क्या चाहिए? हेलो, हाँ ओके, तुम एड्रेस भेज दो, मैं आती हूँ। तुम उतरो यहाँ और ये पैसे रखो, और हाँ अपने घर मत चली जाना, समझी? एंड डोंट यू डेयर हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना। अरिजीत का फोन आया था, मिलना चाहता है हमसे अभी। सुनो तुम ना ध्यान रखना, अरिजीत के सामने हमारे किसी भी प्लान के बारे में भनक नहीं पड़नी चाहिए। वो जो कुछ भी बोलेगा ना हमें बस उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। यू बेटर बी केयरफुल, ओके? मुझे क्या हुआ है? सुनो मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर मैंने तुम्हें नोटिस जरूर किया है। तुम आजकल ना अचानक अपने ख्यालों की दुनिया में चले जाते हो, जोन आउट हो जाते हो, इसलिए तुमसे बोल रही हूँ। अरिजीत के सामने गलती से भी कोई गलती मत करना। शार्दुल को फंसाने के लिए जो जाल बिछाया है ना, शार्दुल बस फंसने ही वाला है उसमें। We are very close to our plan. बस एक बार शार्दुल हमारे कब्जे में आ जाए, अरे फिर हम अपने डायमंड्स लेके यहाँ से फुर। Yes, you are right. वैसे सुनील, मिसेस भल्ला को जो रमन बन के आज कॉल किया है ना, आई एम श्योर पूरी फैमिली शॉक में होगी। इतने माइंड गेम्स खेलूंगी ना इनके साथ, ये खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो इंसान इनके घर में रमन बन के रह रहा है वो रमन नहीं बल्कि शार्दुल है। जैसे शार्दुल को वहां से निकालेंगे हम उसे पकड़ लेंगे, और ये काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है। You're right. चलें अब। Yeah. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।